नमस्कार, मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों, आज मैं आपको हमारे विश्वविद्यालय में चलने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स, जो कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातोत्तर पीजी डिप्लोमा का कोर्स है, इसके बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने के लिए आई हूँ कि ये कोर्स क्या है, इसमें कितने पेपर्स चलते हैं और इस कोर्स को करने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कोर्स है जिसे आप देख सकते हैं, जिसको करने के लिए जो विश्वविद्यालय की मानविकी विद्या शाखा है, आप मानविकी हमारे विश्वविद्यालय में कई विद्या शाखाएं चलती हैं, उसमें जो मानविकी विद्या शाखा है उसके अंतर्गत जनसंचार एवं पत्रकारिता विभाग की ओर से चलाया जाने वाला यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में स्नातोत्तर डिप्लोमा, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PGDEM & FP। ये आपको करने के लिए, आपको ऑनलाइन जैसे बाकी एडमिशन्स होते हैं हमारे विश्वविद्यालय में, ये एक पीजी डिप्लोमा कोर्स है, तो ये हमारे दोनों सत्रों में चलता है, जनवरी वाले सत्र में भी चलता है और जुलाई वाले सत्र में भी चलता है। आप जो भी करना चाहते हैं इस कोर्स को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके एडमिशन की प्रक्रिया है जो ऑनलाइन है, जैसे अदर कोर्सेज में आप लेते हैं वैसे ही इसमें भी ऑनलाइन एडमिशन लेना होता है। अभी जैसे जैसे यह लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी और जिज्ञासाओं का समाधान करती रहूँगी मैं इस एक महत्वपूर्ण कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले एक आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि इस कोर्स को कौन लोग कर सकते हैं, या इसको करने के लिए हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एडमिशन के लिए हमने क्या पढ़ा हो कि हम इस कोर्स को कर सकते हों। तो मैं बताना चाहूँगी कि ये एक ऐसा पॉपुलर कोर्स है कि आपने किसी भी डिसिप्लिन से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या बीजेएमसी, बीकॉम, कई सारे ऐसे कोर्सेज चलते रहते हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स हैं, उन लोगों ने जो किया हुआ हो तो वो इसको कर सकते हैं। इसकी जो अवधि है, जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है आप सबके सामने, ये दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आता है कि इसकी अवधि कितनी हो, यह जो कोर्स है ये कितने दिनों का है। तो ये कोर्स हमारा 1 साल का है और इसको मैक्सिमम हमारे विश्वविद्यालय ने आपको ये सुविधा दी हुई है कि किसी वजह से अगर आपका कोई पेपर छूट जाता है या आप एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो आपको 3 चांस मिलेंगे, अर्थात आप मैक्सिमम अवधि इसकी 3 साल की है। कोर्स आपका 1 साल का है, लेकिन अगर किसी वजह से आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप इसको आने वाले 3 साल के अंदर कर सकते हैं। ये कोर्स ऐसा है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आप नाम से समझ सकते हैं, फिल्म प्रोडक्शन या फिल्म से जुड़ी तकनीकी बुनियादी बातें। तो इस कोर्स का लक्ष्य क्या है, या हमेशा करने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हम जो भी करेंगे उससे हमें क्या लाभ और क्या हानि होगी। आज का समय, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण है और एक ऐसा है कि आप जो भी सीखें या जो भी करें उससे आपके जीवन में किस तरीके की स्किल्स डेवलप हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा है कि वर्तमान परिदृश्य में कितनी चुनौतियां आ चुकी हैं और वही लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं जिनके पास स्किल्स हैं या जिनके पास नॉलेज है। तो ऐसे में ये एक ऐसा कोर्स है जो जिसका पाठ्यक्रम का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है कि आप जानते हैं कि फिल्मों का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है, चाहे वो फिल्म जो किसी तरीके से जो होती है ना, वो किसी भी मनुष्य के जीवन में प्रभाव डालती हैं, हमें अच्छा बुरा दोनों तरीके का प्रभाव डालती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप फिल्मों के इतिहास या जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हैं, क्योंकि फिल्म एक रुपहला पर्दा है जिसपे हम देखते तो हैं लेकिन हमारे अंदर बहुत इच्छाएँ भी होती हैं कि काश हम भी इसमें काम कर पाते, काश हम भी इसको ऐसे देख पाते। तो जो एक आम जनमानस है उसके अंदर बहुत सारी जिज्ञासाएँ होती हैं कि फिल्म कैसे बनती है, फिल्मों की स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, और आप तो जानते हैं कि अगर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर किसी ने कह दिया मेरे पास माँ है तो माँ का पर्याय ही निरूपा राय हो गया, मैंने कहा सास है तो ललिता पवार हो गया। इस तरीके से कई सारी चीज़ें समाज पे ऐसा प्रभाव छोड़ती हैं, ऐसी भावनाओं का एक पूरा उदाहरण दे देती हैं, अपनी एकदम समाहित कर लेती हैं सब चीज़ों को, कि जिससे आपको ये समझ में आता है कि फिल्में कितनी महत्वपूर्ण हैं। ये चाहे तो आपको एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में आपका निर्माण कर सकती हैं, और शायद अब अभी जो लोग सुन रहे होंगे मेरे इस व्याख्यान को उनके अंदर एक जिज्ञासा आ सकती है कि नई नई फिल्में तो समाज में
एक निगेटिव रोल भी प्ले कर रहे हैं या चीज़ें कर रही हैं, उसके संदर्भ में भी हम आगे चर्चा करेंगे कि इसको करके आप कैसे कर सकते हैं, उन नकारात्मकताओं को कैसे ढूंढ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना तो ये है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, चाहे कितना भी अंधेरा हो, हमें वो छोटी सी किरण बनना है कि अंधेरे को चीर कर रोशनी को ले लेना है और उस रोशनी से पूरी दुनिया में उजाला फैलाना है। तो यह कोर्स आपके लिए ऐसा ही है, ये आपको फिल्मों के बारे में जानकारी देगा, फिल्म निर्माण कैसे होती है, क्या प्रोडक्शन की स्टेजेस होती हैं, कैसे हम पटकथा लेखन कर सकते हैं, कैसे हम प्लानिंग कर सकते हैं, साथ में एक जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है, संचार कौशल या कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि हम कुछ भी बात करें, चाहे माध्यम कोई भी हो, फिल्म माध्यम हो या आपसी जनजीवन हो, या उसमें अगर हमारे पास संचार नहीं है, संचार सीधे सीधे बातचीत करने की कला से ले सकते हैं, सिर्फ बातचीत करने की कला नहीं, हम लेखन से लेके हर सारे एक्सप्लेन्स को, हर सारे एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं, जिसपे आगे चर्चा होगी और अदर डिसिप्लिन्स में भी चर्चा होती है। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जीवन में कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो संचार कौशल की जानकारी देंगे, हमें फिल्म निर्माण के बारे में आगे बताएंगे, और आपको जैसे मैंने अभी भी बताया कि फिल्में किस तरीके से हमें भावनाओं में घेरे रहती हैं, हम उन कलाकारों के हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं, हम उन घटनाओं को देखना शुरू कर देते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो PPT में भी कि मैंने कुछ शब्दों को चुना है कि नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरीके की भावनाएँ आती हैं फिल्मों को देख कर। और साथ में लेकिन हम जब इस कोर्स की बात करते हैं, जो हमारा लक्ष्य है इस कोर्स को बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव वे में है, सकारात्मक रूप से है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है, वो ये चाहता है कि जो भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी शिक्षा नहीं ले पाए हैं, अब वो चाहते हैं कि वो पढ़ें, चाहे वो महिलाएं हों, लड़कियां हों, वर्किंग लेडीज़ हों, या फिर हाउसवाइफ हों, पुरुष हों, किसी भी आयु वर्ग के हों, एक बंधन रहित एजुकेशन लें, और उस बंधन रहित एजुकेशन के साथ साथ अपने जीवन में कुछ क्रिएटिव भी करें, साथ में कुछ रचनात्मक क्षमताओं को भी बढ़ाएं। और इसमें जब आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन भी आपका इंक्लूडेड है, सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन का ये कोर्स नहीं है। इस कोर्स में आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी भी जानकारी पूरी तरीके से दी जाएगी। ये कोर्स, अभी मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझाऊंगी कि पूरे इस एक साल के कोर्स में आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने होंगे और उन पेपर्स को आप कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और आप उनमें से किन किन जानकारियों को ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि इसमें फिल्म से जुड़ी सारी बातें होंगी, सारी बुनियादी बातें होंगी, साथ ही हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी भी अन्य जानकारियां लेंगे। आज का समय एकदम आप समझ सकते हैं हाईटेक एज का है, तकनीक का है, टेक्नोलॉजी का है, एंटरटेनमेंट का है। तो ये कोर्स हमें ना सिर्फ हमारी रचनात्मक क्षमता को बढ़ाता है, ना सिर्फ हमें अभिव्यक्ति के लिए एक कौशल प्रदान करता है, ना सिर्फ हमें फिल्मों की समझ देता है, बल्कि यह हमें लेखन क्षमता, समाज में हमें कैसे जीना है और कैसे हम अपनी रुचि को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपनी बातों को, आज के डेट में सब मोबाइल चला रहे हैं, सब यूट्यूब देखते हैं, सब फिल्में बनाना चाहते हैं, और सबके पास एक कुछ ना कुछ करने की चीज़ें हैं। तो ये जो हमारा पॉपुलर कोर्स है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन फिल्म प्रोडक्शन में PG डिप्लोमा, ये कोर्स जो है आपको पूरा एक मंच प्रदान करता है, पूरा एक माहौल देता है, साथ साथ में बुनियादी जानकारी देते हैं। इसका पूरा स्टडी मटेरियल जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन, आपको इसके सारे, आपको पता होगा कि हमारे पूरे प्रदेश भर में इसकी हर जगह इसकी पढ़ाई होती है, जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के नियर बाई या जो भी पास का स्टडी सेंटर है वहाँ पे जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन आपको ऑनलाइन लेना है, लेकिन हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स के वेरीफिकेशन के लिए आपको उस दस्तावेजों को या जो भी आपके मार्कशीट्स की फोटो कापी और सेल्फ अटेस्टेड कापी है, उसको जैसे ही आप अपने सेंटर पर जमा करते हैं, आपको इस कोर्स के पूरे SLM लिखा हुआ है, पूरी पाठ सामग्री उपलब्ध है, आपको कहीं भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस कोर्स में एडमिशन लेते हैं, आपके कुछ समय बाद आपके घर पे जो एड्रेस आपने दिया है, घर का, ऑफिस का, या जहाँ पे भी आप चाहते हैं, वो आपको किताबें मिल जाती हैं, आप उन किताबों से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, इसमें कुल मिलाकर 5 पेपर्स हैं। पहले पेपर में आपको मीडिया का कॉन्सेप्ट, ये आप देख रहे हैं, इसमें मीडिया का कॉन्सेप्ट, सिद्धांत और अवधारणाओं के बारे में बताया गया है, जो कि 8 क्रेडिट का है। हाँ, एक चीज़ और मैं महत्वपूर्ण बता दूँ, इसमें असाइनमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस कोर्स में सीधे आपको थ्योरी पेपर देना होता है, जो कि 100 नंबर के होते हैं और जिसकी अवधि 3 घंटे की होती है।
इनके जो भी पांचों पेपर्स हैं, इन पांचों में सेम स्ट्रक्चर है, आपका 8 क्रेडिट का कोर्स है और आपको 3-3 घंटे का समय मिलेगा। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसी एग्ज़ाम की अवधि में आपको इन एग्ज़ाम्स को देना होगा थ्योरी के तौर पर। और पूरे साल अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो मुक्त विश्वविद्यालय के जो मेन कैंपस या मुख्य परिसर है प्रयागराज में, वहाँ पे मैं रहती हूँ, आप कभी भी मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, प्लस आप अपने जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ पे भी आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं। परंतु अगर आपको कभी भी लगता है कि इस कोर्स से जुड़ी कोई भी जानकारी या कोई भी बात आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप कभी भी वर्किंग डेज में ऑफिशियल टाइम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं और जो भी आपको चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं। ये 100-100 नंबर का आपका पेपर है, तो सभी पेपर्स जो हैं थ्योरी पेपर्स हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी कि आपको पढ़ के कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहना है। जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आए वहाँ पे हम लोग हैं काउंसलिंग के लिए और चीज़ों को बताने के लिए, उन चीज़ों को बताने और करने के बाद आपको एग्ज़ाम में वो पेपर दे देना है। और विद्यार्थियों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार मेरे पास आता है कि हमारा मीडियम क्या होगा, हम कैसे लिखेंगे। तो आप हिंदी मीडियम से, हमारे यहाँ जो भी किताबें जाती हैं हिंदी माध्यम से जाती हैं और आप इसको हिंदी में करते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश में इसका आंसर लिखें तो आप इसका आंसर इंग्लिश में लिख सकते हैं। यस, वी कैन प्रोवाइड, वी विल प्रोवाइड ऑल फैसिलिटी, बट आपको नोट्स जो हैं वो हिंदी में ही जाएंगे। आपको जो भी अदर बुक्स की हेल्प या नाम या डिटेल्स चाहिए होगी, सो आई विल हेल्प यू, आप मुझसे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आई विल गिव यू ऑल सजेशंस एंड लिंक्स ऑल्सो। तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि बात, एक चीज़ आप समझ लीजिए, अगर हम लोग फिल्म जैसे कोर्स को करते हैं तो जहाँ भारत के बारे में कहा जाता है कि पग पग बदले वाणी और पग पग बदले पानी, तो ये कहावतें इस तरीके से नहीं बनी हुई हैं, इन सब में जीवन का सार छिपा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम भाषागत चुनौतियों पे जाएंगे तो हमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी। फिल्म तो एक ऐसा माध्यम है जो आपको मूक तरीके से, फिल्म की शुरुआत ही हुई थी मूक फिल्मों के जरिए, जब हिस्ट्री में पढ़ाऊंगे या आप भी जानते होंगे और बाकी चीज़ों को भी, कि ऐसी कई फिल्में बनी जिसमें हम बातचीत भी नहीं कर पाते, सिर्फ भाव भंगिमाओं के आधार पे काव्यशास्त्र, नाटशास्त्र और पूरा भारतीय इतिहास के साथ साथ विश्व सिनेमा के इतिहास में भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध हैं कि जिसमें भाषा रहित फिल्मों का निर्माण हुआ है। वो फिल्में मूक फिल्में थी जिन्होंने अपने एक्सप्रेशंस के जरिए पूरे विश्व पटल पर, भारत में अगर आप जाएं तो हरिश्चंद्र जो कि 1913 की फिल्म थी, वो पहली ऐसी फिल्म थी जो मूक फिल्म भी थी और जिसने बहुत ज़्यादा नाम किया था भारतीय फिल्म जगत में, दादा साहब फाल्के, और इसके बाद कई सारे ऐसे टॉकीज आए जिन्होंने इन फिल्मों को बनाया और किया। तो आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अब थोड़ा मैं इस स्लाइड पर वापस आते हुए आपको बताना चाहूँगी, हमारा जो कोर्स कोड है ये 1 ईयर का कोर्स है आपका, और इस कोर्स कोड में आपका जो ये पहला टॉपिक है पेपर आता है, इसको हम कोड में ऐसे लिखते हैं, तो इसमें आता है मीडिया कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, मीडिया अवधारणा एवं सिद्धांत। इस पेपर में आपको जो भी मीडिया के बुनियादी चीज़ें हैं, जितने भी माध्यम्स हैं, उनके बारे में चीज़ें बताई जाएंगी। आज के इसी लेक्चर में, इसी व्याख्यान में मैं आगे आपको पूरा डिटेल बताऊंगी इस पेपर के बारे में कि इसमें हम और क्या क्या पढ़ाते हैं और आपके कोर्स में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। दूसरा पेपर हमारा स्पेसिफिक बना हुआ है फिल्म इंट्रोडक्शन प्रिंसिपल्स एंड हिस्ट्री, फिल्म परिचय सिद्धांत और इतिहास। अर्थात जब हम किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं, आप कह सकते हैं कि फिल्म तो एक ऐसा रचनात्मक विषय, इसमें हम हिस्ट्री क्यों पढ़ें, ये बहुत थ्योरेटिकल होता जा रहा है। लेकिन जब तक हम जड़ों को ना जानेंगे, आसमान में उड़ने कहाँ जाएंगे, हमें अगर वृक्ष बनना है तो सिर्फ शाखों पे नहीं जड़ों पे भी भरोसा करना होगा, और निश्चय ही हमें फिल्म के इतिहास को समझना होगा। फिल्म का इतिहास बहुत ही रोचक है, और ये जैसे भी मैं आपको बता रही कि इस कोर्स को करने से पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आप समझ लीजिए कि कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको जीवन की नई दिशा दे देते हैं। सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं होते, सिर्फ वो रोजगार के लिए नहीं होते। अगर आप कोई भी जर्नलिज्म का कोर्स करते हैं और आप ये सोचते हैं कि हमें तुरंत रोजगार मिल जाएगा, तो निश्चय ही मैंने पिछला एक वीडियो डाला हुआ है जिसे आप जाके देख सकते हैं, हमारा जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है और चैनल्स हैं उन सब के जरिए मैं बार बार बताती हूँ कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आवश्यकता है हमें अपने स्किल्स को डेवलप करने की। और उन स्किल्स में जो हमारा ये पॉपुलर कोर्स है, इसको करने से आपके 3 लाभ हो जाते हैं। एक तो आपको नॉलेज मिलती है, दूसरा आप फिल्मों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियादी बातों को जान सकते हैं, इसका थ्योरेटिकल पार्ट्स भी आप जान सकते हैं, इसके इतिहास की और बुनियादी चीज़ों को जान सकते हैं, और तीसरा सबसे रोचक और महत्वपूर्ण पक्ष आ जाता है एंटरटेनमेंट या मनोरंजन।
कुछ भी करें, अगर हम सिर्फ सीखते रहें, हम सिर्फ ज्ञान लेते रहें, लेकिन अगर हमारा दिमाग रिलैक्स ना हो पाए, हम इंजॉय ना कर पाए उस चीज़ को, तो फिर हमें ज़िंदगी में मज़ा नहीं आता है, कहते हैं ना। तो उसके लिए ये कोर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि जब भी आप कुछ करते हैं, हर आदमी के जीवन में एक कहानी होती है। जैसे मैंने अपना आपके बारे में पहले भी बताया होगा, आपको पता होगा कि कहानियाँ एक मेरे जीवन का हिस्सा रही हैं। और हाँ, मैं मानती हूँ कि हर मनुष्य, चाहे आप विद्यार्थी हो, मैं हूँ, या आसपास का कोई भी वस्तु हो, किसी चीज़ पे भी कहानी लिखी जा सकती है। और कहीं ना कहीं यही कहानियाँ फिल्म जगत का आधार होती हैं। एक अच्छी स्क्रिप्ट के बिना फिल्म नहीं बन सकती है। खैर, फिल्म में जब हम हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स की बात करेंगे, तो मैंने आपको एक शुरुआत में जैसे बताया कि मूक फिल्में बनी, फिर बोलती फिल्में बनी, ब्लैक एंड वाइट फिल्में बनी, फिर कलर्स फिल्में बनी। जब ये थियोरेटिकल रूप्स में आएंगे, तो हम लोग इस पर अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, और आप भी जान रहे होंगे। तीसरा पेपर जो हमारा है, वो है फिल्म प्रोडक्शन का, यानी कि इसमें आपको बुनियादी प्रोडक्शन की जानकारी दी जाएगी। इससे आपको तीन स्टेजेस होती हैं प्रोडक्शन की, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो किस चरण में हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है, किस चरण में हमें किस तरीके से फिल्मों की कब स्क्रिप्ट लिखनी है, कब उसकी जाके रेकी करनी है, कब हमें ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना है, कब हमें रिसर्च करनी है या फिल्म में, मतलब आप ये नहीं समझ सकते कि जो हम 3 घंटे की फिल्म देख रहे हैं, या इवन हम मोबाइल में भी शॉर्ट फिल्म देखते हैं 5 से 10 मिनट की, उसकी रिकॉर्डिंग में कितना समय लगता है, उसके पीछे कितना मेहनत होती है, पूरी एक प्रोडक्शन टीम होती है, वो पूरा एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है। जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, जब तक हम उन बुनियादी बातों को नहीं समझेंगे, हम स्टेप्स में नहीं चलेंगे, तब तक हम उन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो इस तीसरे पेपर में आपको फिल्म प्रोडक्शन से जुड़ी सारी बातें बताई जाएंगी, जो आपके पास पाठ सामग्री के माध्यम से पहुँच जाएंगी। चौथा पेपर आपका फिल्म का मैनेजमेंट है। एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक और फेमस फार्मूला आज के समय में चल रहा है कि जो बिकता है वही दिखता है। तो जब हम प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होगी कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। मैनेजमेंट की अपनी एक पूरी विधा है, अपनी एक पूरा डिसिप्लिन है, लेकिन फिल्म में किस प्रकार मैनेजमेंट रोल प्ले करता है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल या वित्तीय प्रबंधन से लेकर ऑडियंस को अट्रैक्ट करने या अदर प्लानिंग या किसी भी चीज़ों के बीच में कितना उस तरीके से वो करता है, ये पूरा जो है आपका इस पेपर में आप पढ़ सकते हैं। पांचवा पेपर जो है, वो सीधे सीधे आपको फिल्म मीडिया, फिल्मों की जुड़ी जो भी वर्तमान जानकारियां हैं, जो भी चीज़ें हैं और जो सारी चीज़ें उससे जुड़ा पेपर है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और तो ये जितना मैंने आपको बताया, एक बार मैं रिवाइज कर दे रही हूँ, इस कोर्स में 5 पेपर्स हैं। पहला मीडिया अवधारणा एवं सिद्धांत का है, दूसरा फिल्म परिचय सिद्धांत एवं इतिहास का है, तीसरा प्रोडक्शन के बारे में जानकारी है, चौथा प्रबंधन की है, और पाँचवा फिल्म एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पेपर है। इसमें आपको मैंने वही बताया कि जब आप इस कोर्स को कर लेंगे, तो आप क्या क्या कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस कोर्स को कर लेंगे, तो आपके पास इस कोर्स को करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब हम बात करते हैं, तो सिर्फ फिल्म नहीं आती है उसमें। एक चीज़ बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग को क्लियर कर लीजिए, बहुत अच्छे से आप खैर समझ रहे होंगे, सभी विद्यार्थी आज के समय में टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, सबकी मोबाइल जो है जेब में है, और सबकी नॉलेज जो है गूगल में है, गूगल बाबा को सब मान रहे हैं, जान रहे हैं। तो शायद फिल्मों के बारे में आपका रुझान, या आज की युवा पीढ़ी में क्या कहूँ, बुजुर्ग दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन या दादा साहब फाल्के, बलराज साहनी, पुराने से लेके एक जो पूरा 100 सालों का हमारा स्वर्णिम इतिहास रहा है फिल्म जगत का, अंतर्राष्ट्रीय भी फिल्मों की हमने बात की है इस कोर्स में, इंटरनेशनल फिल्म्स के भी बारे में आपको जानकारी मिलेंगी। तो इसके बाद में आप सबसे पहले तो ये जान पाएंगे, आपको जो भी जानना है, ये आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बुनियादी घटकों को पहचान करने में सक्षम हो जाएंगे, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपका होता है, उसको आप कैसे, टीवी आती है उसमें, रेडियो भी आता है, इंटरनेट भी आता है, फिल्म भी आता है, उन सब के बारे में इस कोर्स में बेसिक जानकारी दी गई है। अगर आप एक ऐसे कोर्स को करने के लिए तलाश रहे हैं कि जो आपके मीडिया के ज्ञान को, एंटरटेनमेंट को भी एंटरटेनमेंट भी दे, प्लस आपको एक बेसिक स्किल्स भी दे दे, नॉलेज भी दे दे, और आपको स्पेशलाइज्ड बना दे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि ये कोर्स कौन कौन लोग कर सकते हैं।
तो ऐसा नहीं जैसे मैंने पहले बताया कि आपने सिर्फ बीए किया हुआ है, ये तो इसकी बुनियादी स्किल्स हो गई। कुछ लोग हैं जो मास्कॉम से पीएचडी भी हैं लेकिन स्पेशलाइजेशन चाहते हैं अपने एरिया में, या किसी और डिसिप्लिन के भी हैं, वो डिसिप्लिन में आप कर रहे हैं और आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए किसी उसमें, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी समाज विज्ञान से हों या विज्ञान से हों, अभी एक फिल्म आई है अवतार, अवतार का जो सीक्वल आया है द वे ऑफ वाटर, तो आप देखिए ये एक वैज्ञानिक गल्प कथा पे है। तो हम फिल्मों को सिर्फ एक डिसिप्लिन में नहीं बांध सकते कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। और बात करते करते मुझे एक रोचक इंसिडेंट आ गया कि फिल्म हमारे एक ऐसे डिसिप्लिन के रूप में उभरा है कि जो धीरे धीरे अपने पूरे कोर्स जो है विशाल बाहें फैला रहा है, विशाल क्षेत्र में जा रहा है, यूज़ हो रहा है, और कई बार तो इसको लोग एक अलग डिसिप्लिन के रूप में एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कोर्स आपको इस कोर्स की जानकारी भी देगा, फिल्मों की जानकारी भी देगा, प्लस आपको स्पेशलाइज्ड बनाएगा। अगर आप किसी समाज विज्ञान से हैं, पीएचडी हैं, या किसी साइंस डिसिप्लिन से हैं और आप अपनी बातों को सही तरह से रख नहीं पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊं और अपने चीज़ों को लेक्चर्स को कहूं, मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू कठिन कठिन बातों को भी समझाऊं। जब मैं बहुत छोटी सी थी, आपको याद होगा एक चैनल आता था एनसीईआरटी के जो दूरदर्शन पे आते थे, लाल बजक्कर काका या लाल बजक्कर चाचा, तो वो कैसे विज्ञान गल्प को या जो विज्ञान के एकदम छुपे हुए तथ्य थे, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट थे, उनको छोटी छोटी कहानियों के जरिए जब हम बताते हैं तो कितनी आसानी से समझ में आ जाते हैं। मिशन मंगल फिल्म इसका उदाहरण, ऐसी कई फिल्में हैं जो कि साइंस बेस्ड की हैं। तो यहाँ तो मैं बड़ी फिल्मों की बात कर रही हूँ, लेकिन हर आदमी, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले कहा कि हर आदमी के मन में कुछ सपने होते हैं, वो अपनी बात को रखना चाह रहे हैं, और हमारी सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट ने, इंटरनेट ने हमारी लाइफ को इतना सक्षम बना दिया है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्ट्स आ गए हैं और हमारे पास ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं, वो वॉइस मॉड्यूलेशन के थ्रू, चाहे कुकू एफएम हो या को ऐप हो या कई सारी चीज़ें हो, फेसबुक हो, या फिर बड़े बड़े और भी ऐप्स हो, इंस्टाग्राम हो, प्लस आप यूट्यूब पे अपना यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि इस कोर्स को करने के लिए आपको सिर्फ मास कम्युनिकेशन या पत्रकारिता एवं जनसंचार के, तभी आप कर सकते हैं। अगर आप एक नॉर्मल हाउस वाइफ हैं या आपके मन में कुछ क्रिएटिव करने की क्षमता है, कुछ अलग पढ़ने की क्षमता है, आप चाह रहे हैं कि हमें कुछ जानकारी मिले और हम किसी जगह पर जाएँ, स्कूलों में जाएँ, बच्चों की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाएँ और कुछ ऐसी बातों के बारे में जानकारी दें जिससे लोग मुझसे इम्प्रेस हों। देखिए, आज का समय ही पहचान का है, हर इंसान चाह रहा है मेरी पहचान बने, समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो और हम लोग कुछ अच्छा कर पाएँ। तो उसमें ये कोर्स आपको पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़ी बुनियादी बातें बताएगा, प्लस आपको जो है जो भी फिल्म से जुड़ी चीज़ें उनके बारे में बताएगा। फिल्मों और समाज के जो संबंध की मैं बात कर रही हूँ, अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जो हर आदमी के जीवन में ये फिल्में, छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, उसको हम पर्दे पे उतारना चाहते हैं, उसको हम कहना चाहते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगा कैमरा हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास महंगा सेटअप हो। आज की डेट में कम्युनिटी रेडियो से लेके ऑनलाइन एफएम रेडियो और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं रेडियो के भी, फिल्म के भी, कि हम उसको अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सबको जल्दी है दोस्तों अपनी बात को लोगों तक पहुँचाने की। प्लस जो प्राइमरी के टीचर्स हैं वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, पूरे देश के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। मेरे कई विद्यार्थी ऐसे हैं कि जिन्होंने एक ये और दूसरा जो पॉपुलर कोर्स है, मैं अगली क्लास में उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी दूंगी, ग्रामीण पत्रकारिता से जुड़ा जो कोर्स है, क्योंकि ये सारे जो छोटे छोटे वन ईयर के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज हैं, ये सारे आपको स्पेशलाइज्ड करते हैं, विशेषज्ञ बनाते हैं। फिर उसके बाद आप समाज के बारे में समझ सकते हैं, फिल्म मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहली बात बताया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कोमा क्री क्या होती है या चीज़ें कैसे होती हैं, उसमें प्रोडक्शन कैसे होते हैं, वो टर्म क्या होते हैं, कैमरे की बेसिक बुनियादी बातें क्या होती हैं, शॉर्ट्स किस तरह तरीके के होते हैं, ये सारी जितनी माइक्रोफोन क्या होते हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम इसको बताएंगे। और इस कोर्स में आपको जो है सिर्फ रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर के साथ साथ में फिल्म, बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। फिर शिक्षार्थी इसको करने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उन्हें बातचीत करने की कला, संचार कौशल विकसित हो जाएगा। टू इन्हेंस कम्युनिकेशन स्किल, दिस कोर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू इन्हेंस कम्युनिकेशन स्किल्स। आप चाहे हिंदी भाषी हो, इंग्लिश भाषी हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी बातों को किस तरह से कह रहे हैं, कितने शब्दों में कह रहे हैं, और उसको करने के लिए आप कैसे लिख पा रहे हैं। तो लिखना, बोलना और करना, ये तीन चीज़ें इस कोर्स में आप सीख सकते हैं। इसके बाद फिल्म पत्रकारिता, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फिल्म एक अपने आप में एक अलग डिसिप्लिन के रूप में आगे जाता जा रहा है, तो अब इस कोर्स को करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि फिल्म पत्रकारिता क्या होती है, कैसे एक फिल्म रिपोर्टर बनने के लिए क्या करना होगा इसमें। और सिर्फ ऐसा नहीं कि फिल्म में आप सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस बन सकते हैं, इस कोर्स के बाद में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ या वेन्यूज समझ में आएंगे, बातें समझ में आएंगी
कि बहुत कुछ है करने को जीवन में, सिर्फ हमें जो पहले पर्दे पे चीज़ें दिखाई देती है दुनिया सिर्फ उतनी नहीं है, पर्दे के पीछे भी एक पूरे क्रू मेंबर्स होते हैं और वो किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, एडिटर का क्या रोल होता है, कैमरामैन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, स्क्रिप्ट की जब हम बात करें, डायलॉग्स तो आप जानते ही हैं, सॉन्ग राइटर्स होते हैं, लिरिक्स लिखने वाले होते हैं, गीत संगीत होता है, फिल्मों में गीत का क्या महत्व होता है, स्पेशल इफेक्ट्स क्या होते हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में इस कोर्स को करने के बाद आप जान और समझ पाएंगे। साथ में रेडियो समाचार, क्योंकि रेडियो देखिए एक कोर्स तो ऐसा है कि जो पूरा मास्कॉम का पॉपुलर कोर्स है, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद भी ऐसा नहीं, आप तीनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की थोड़ी थोड़ी बातों को बेसिक जानकारियाँ इसमें दी गई हैं, आप अनभिज्ञ नहीं रह पाएंगे। इसके साथ में ही आप जो हैं, अब हम इसके पूरे डिटेल करने के बाद में, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे 5 पेपर्स हैं उनके सिलेबस पे भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगी और आपको ये बताऊंगी कि इस कोर्स में हम क्या क्या और कितना पढ़ाएंगे, ताकि आपका एक विज़न क्लियर हो जाए। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं, वो बहुत कन्फ्यूज़ और परेशान इस बात के लिए होते हैं कि हमने एडमिशन तो ले लिया है लेकिन हम सिलेबस नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो आपको ये बता दूँ, ये हमारी विद्या शाखा में जो भी स्कूल्स की विद्या शाखा है उसमें सिलेबस भी पड़े हुए हैं, चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। और साथ में यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि आप जर्नलिज्म का जब भी कोई कोर्स करते हैं, पत्रकारिता का भी कोई कोर्स करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एकदम सिलेबस से बाहर का भी होता है और सिलेबस के अंदर का भी होता है, क्योंकि इतने अपडेशन आ रहे हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं कि आपको खुद भी अवेयर रहना पड़ेगा। हर चीज़ आप चाहें कि टॉपिक्स के थ्रू मिल जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। ये कॉमन सेंस का पेपर है कि इसमें आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको बुनियादी थ्योरी चीज़ों के साथ साथ में आपके जीवन में, देखिए टॉप एक ही विद्यार्थी करता है, पढ़ते सब हैं, टॉप वही विद्यार्थी करता है जो अच्छे उदाहरणों के साथ में उन बातों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाता है, कह पाता है। तो खैर, हमने बात की थी कि जो पहला पेपर है हमारा मीडिया अवधारणा एवं सिद्धांत का, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे संचार एवं जनसंचार माध्यम के बारे में। तो जो हमारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हम सिर्फ एक डिसिप्लिन से जुड़े हुए नहीं हो सकते हैं, अगर हमें फिल्म के बारे में जानना है, अगर हम समाज में उतरना चाह रहे हैं या किसी भी ऐसे कोर्स को करना चाह रहे हैं जो कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करे, हमें नॉलेज भी दे, हमें एंटरटेनमेंट भी दे और हमें समाज में एक ऐसा स्तर, एक ऐसी पहचान भी दे, तो उसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमारे किस तरीके से जो अन्य डिसिप्लिनस हैं, चाहे इकोनॉमिक्स हो गया, सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, साइकोलॉजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद प्रौद्योगिकी हो गया, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल, मतलब कोई भी ऐसी लाइन नहीं जो फिल्म से अछूती, क्योंकि हर एक प्रोफेशन पे फिल्में बनी हैं और हर जो भी चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं इस कोर्स को करने से पहले हमें सारी चीज़ों को समझना और जानना पड़ेगा। फिर इसके सेकंड यूनिट में जितने भी मॉडल्स हैं उनके बारे में पढ़ाया, क्योंकि जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में मॉडल की बातें आती हैं। इस पेपर में जो हमने आपको बताया कि मौखिक, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया ना कि जब कम्युनिकेशन या संचार कौशल की बात करते हैं तो सिर्फ हम थ्योरी की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम बोलने की बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम फिल्मों की बात नहीं करते हैं, हमारे सामने एक वाइड रेंज आ जाती है। मौखिक माध्यम, जिसे हम वर्बल रूप से कह सकते हैं, जो पारंपरिक भी होते हैं, फिर इसके बाद आधुनिक में, फिर बातचीत कैसे उस तरीके से, स्पीच, फिर कई सारे जो भी इनके समाचार जगत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें इसको हम लोग पढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट जो आती है उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को स्पेसिफिक पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भारत में आया, कैसे वर्ल्ड में आया, कैसे आकाशवाणी वगैरह ने चीज़ों में किया। फिर इसके अगली यूनिट में हम जो हैं ट्रांसमीटर, माइक्रोफोन्स, जनमाध्यम का किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है इस पर पढ़ते हैं। फिर इसकी अगली यूनिट में हम रेडियो के बारे में स्पेसिफिक पढ़ते हैं, क्योंकि जब हम रेडियो की बात करते हैं तो रेडियो का अपना एक पूरा समृद्ध इतिहास है और उसको हम पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ें कई बार रिपीट भी होती रहती हैं, तो हम इसमें रेडियो के बारे में बहुत कुछ, विश्व में किस तरीके से हुए, अनुवाद में रेडियो में किस तरीके से वर्क कर रही हैं, फिर भारत में क्या स्थिति रही, फिर रेडियो की वर्तमान स्थिति क्या है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं। अगले यूनिट में हम लोग टेलीविज़न के बारे में पढ़ते हैं कि टेलीविज़न किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है, टेलीविज़न का कब परिचय हुआ, क्या उसके सिद्धांत हैं, कैसे रंगीन टीवी भारत में आया, कैसे उसके प्राइवेट चैनल्स आए, कैसे किस तरीके से वर्क हुआ, दूरदर्शन जो हमारा सरकारी चैनल है उसके बारे में अलग से आप पढ़ते हैं। प्लस आप टेलीविज़न स्क्रिप्ट की जो मैं बात कर रही थी, लेखन की बात कर रही थी, टेलीविज़न लेखन और टेलीविज़न प्रोडक्शन, अगर ये बात करूँ तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाते हैं, क्योंकि ये जो अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रिप्ट की या फिर स्क्रीन प्ले की, तो कई सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं, टेलीविज़न प्रोडक्शन के बारे में भी आ जाते हैं, फिर हम इसमें इंडोर और आउटडोर किस तरीके से उपकरण प्रयोग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं।
तो इस तरीके से करते हैं। जो पांचवी हमारी यूनिट है वो एक अलग एस्पेक्ट जिसे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं उसके बारे में पूरी ये यूनिट है। उसके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं इंटरनेट किस तरीके से आया। क्योंकि हमारा जो विद्यार्थी है, जो शिक्षार्थी है, हम ये मान के चलते हैं वो किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है और वो किसी भी एज ग्रुप के साथ साथ, आयु वर्ग के साथ साथ किसी भी डिसिप्लिन का हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बहुत नॉलेज है और कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर उसने कोर्स लिया हुआ है तो उसके हर बेसिक एस्पेक्ट्स और हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स के साथ साथ उनकी चीज़ों को जाने। तो इंटरनेट के बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। केबल टेलीविज़न, क्योंकि फिल्में तो अब आई हैं। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब चैनल्स आए, रेडियो आया, फिर टीवी आई, फिर टीवी के बाद में फिल्में आई, फिल्मों और टीवी में क्लैश हुआ, फिर उसके बाद आप ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में चल रहे हैं जो अभी काफ़ी अपडेटेड सिलेबस है, जिसको भविष्य में हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उसके बारे में भी पढ़ाया जाए और चीज़ें की जाएँ, कुछ एक ऐसी यूनिट्स उसमें आने वाले टाइम में। लेकिन आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी उसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म के बारे में भी जानकारियाँ मिलेंगी और जो नए मॉडल्स, क्योंकि जो लिखित चीज़ें होती वो इतिहास बदल सकता है लेकिन डे टू डे, क्योंकि हमारा ये कोर्स बहुत अपडेटेड है, ये एक ऐसा कोर्स है जो हर दिन बदल रहा है। जैसे एक नई फिल्म आई अभी, जैसे अगर मैं आपको एक फिल्म का जिक्र करना चाहूँगी, OTT प्लेटफॉर्म G5 पे आई है लॉकडाउन पे, मधुर भंडारीकर की। तो हमने लॉकडाउन को पूरा अच्छे से जिया, कोरोना को हमने अच्छे से जिया, सबने जिया होगा, सबने छोटी छोटी क्लिप्स उठाई होंगी। पर अगर आप OTT प्लेटफॉर्म में लॉकडाउन फिल्म को देखें तो एक बार ऐसा लगेगा कि आपने 2 घंटे में पूरे 2 साल के जीवन को एक बार फिर से जी लिया। क्या खूबसूरती के साथ कैरेक्टर्स के जरिए, छोटे छोटे तथ्यों के जरिए उसको डेवलप करते हुए चीज़ों के साथ में किया गया है। तो उसके साथ में हमने केबल टेलीविज़न की बात भी की, क्योंकि अभी चीज़ों को फिर भटकते हुए मैं आपसे, आपको लग रहा हो कि भटका हुआ, लेकिन इस कोर्स की समस्या भी यही है और समाधान भी यही है कि ये कोर्स भटकाव का है और ये कोर्स आपको एक रास्ता और समाधान भी देगा। तो इसमें आपको टेलीविज़न के बारे में भी बताया जाएगा, केबल टीवी के बारे में भी बताया जाएगा, फिर मल्टीमीडिया टेक्निक्स, कैसे संचार, साइबर स्पेस, ये सारी चीज़ों के बारे में भी बताया जाएगा। और इसके बाद में आपको, अब एक ये सारी चीज़ों के साथ में, अभी मैं इसमें आने से पहले थोड़ी सी अपनी बात को, जो मैं OTT प्लेटफॉर्म वाली और केबल टेलीविज़न जो आपको लग रहा था, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन करते हैं, फ़ोन पे पूछते हैं कि मैम पेपर कैसे होगा, मैम पुराने क्वेश्चन पेपर बता दीजिए, मैम एग्ज़ाम कैसे होगा। तो जब भी आप कोई इस तरीके का कोर्स करते हैं जो कि रचनात्मकता से जुड़ा हुआ है, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, और ख़ास करके अगर हम जर्नलिज्म फील्ड की बात करें, पत्रकारिता की फील्ड की बात करें, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ जाती है कि कोई भी नई फिल्म आई वो हमारे फिल्म का पार्ट हो गई, फिल्म रिव्यू का पार्ट हो गई, स्किल्स का पार्ट हो गई। इस पर मैं पूरा विशेष अलग से व्याख्यान लूँगी कि आप एग्जामिनेशन में कैसे आंसर लिखें और कैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ के अंतर को एक पूरा करते हुए कैसे उन चीज़ों को कर पाएँ, उस पर मैं पूरा आपको अलग से बताऊंगी। अभी जो एक बुनियादी प्रश्न एक विद्यार्थी और शिक्षार्थी के रूप में, अभी जैसे मैंने आपको पूरा कोर्स के बारे में बताया और अभी मैंने जो पूरा सिलेबस का स्ट्रक्चर दिया वो सिर्फ फर्स्ट पेपर का था, क्योंकि सब कुछ आपको एक ही क्लास में, एक ही लेक्चर में मिल पाना संभव नहीं है और आपके अंदर भी कन्फ्यूज़न और जिज्ञासाएँ बढ़ती जाएंगी। तो आप एक ये बेसिक रूप से समझ सकते हैं कि ये कोर्स जो है 5 पेपरों का है। इसमें हर पेपर जो है वो थ्योरी पेपर में आएगा, साल भर आपको इस कोर्स को करना है। और अब आपके पास जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, मैंने पहले भी बताया, असाइनमेंट इसमें नहीं देने हैं, आपको सीधे थ्योरी पेपर्स देने हैं। और जो रही बात पैटर्न की, तो पैटर्न आपका ये होगा कि प्रश्न पत्र के टोटल 3 भाग होंगे, A, B, C। पार्ट ए या खा में आपके साथ क्या होगा कि आप जो है 75 अंक के होंगे, पार्ट बी 15 अंक का होगा और पार्ट सी 10 अंक का होगा। इसमें आपको 5 विकल्प दिए होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, 5 लॉन्ग एकदम वर्णात्मक प्रश्न होंगे, जिसके 25 नंबर के एक प्रश्न होगा और आपका कुल ये भाग 75 अंक का होगा। इसमें आपकी शब्द सीमा भी होती है और उसके बाद में आपको क्या कहते हैं, लघु प्रकार के या पार्ट बी में आपको 1-2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 प्रश्न दिए जाएंगे, उन 2 प्रश्न में से आपको 1 प्रश्न करना होगा, वो प्रश्न आपका 15 नंबर का होगा। पार्ट सी इसे हम संक्षिप्त में लिखते हैं, शॉर्ट नोट की तरह कहते हैं, जैसे ये एक स्टेप नुमा में आ रहा है कि पहले आपका लॉन्ग क्वेश्चन, फिर शॉर्ट, फिर एकदम टिप्पणी या एकदम शॉर्ट नोट टाइप का क्वेश्चंस होगा, तो उस पर आप काम करेंगे। ये आपके, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको
दो प्रश्न करने होंगे या 10 अंक का होगा। तो इस कोर्स को करने के बाद आपको जब एग्ज़ाम देना होगा तो आपको हर पेपर में, एवरी पेपर में, पांचों पेपर में यही पैटर्न फॉलो होगा, इसी तरीके से आएंगे। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि इस कोर्स को करने के पहले जो मैंने एक विशेष नोट लिखा हुआ है कि सिलेबस तो आप पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा आवश्यकता है आपको समाज में जीने की, अपने आप में जीने की। क्योंकि हमारा जो कोर्स है ना, वो बहुत समसामयिक और नवीन है। फिल्मों की बात करें, जैसे मैंने एक अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक या चलचित्रों की बात करें तो दूरदर्शन आया, दूरदर्शन के बाद केबल टेलीविज़न आया, प्राइवेट चैनल्स आए, अब OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, यूट्यूब पे आ रहा है, कई सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, और हर चीज़ हमारे कोर्स और सिलेबस का हिस्सा चाहे ना चाहे होती जा रही है। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी, अब मैंने जैसे अगर आपको शुरुआत में ही कहा कि हम एक कोर्स करने जा रहे हैं आपको, जो कि फिल्म प्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड है, तो आपके दिमाग में भी एक पूरा परसेप्शन तैयार हो गया होगा। अब आपको, मुझे कल मैंने लॉकडाउन फिल्म देखी, मुझे बहुत अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसकी जो कहानी का ताना बाना था, या मधुर भंडारीकर जी की किसी भी फिल्म को आप देखेंगे तो वो समाज की घटनाओं को बारीकी से पुरेते हैं और किसी भी एक जगह को उठा के उस जगह रह जाते हैं। कुछ लोग सूरज बड़ियात्या की फिल्मों को पसंद करते होंगे, तो फिल्मों का अपना एक क्लास है। सेम वही चीज़ अब OTT के साथ हो रही, बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटी OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, उनका अपना एक तरीका है, उनका एक काम करने का पैटर्न है। अब उस स्थिति में आप ये सोचें कि हम सिर्फ एक लिखे सिलेबस के आधार पे नॉलेज को ले लेंगे तो आप सीमित हो जाते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है, हम आपको ऑनलाइन क्लासेस भी लेते रहेंगे, कैंपस में भी मिलते रहेंगे, कॉन्स्टेंट क्लासेस भी चलती रहेंगी, और आपको अपने आसपास भी इन चीज़ों को खोजना, समझना और आंसर देना होगा। जैसे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, थोड़े चलते चलते मैं एक बात और बोल दूँ कि जब प्रश्न की बात आती है तो बच्चे ये भी कहते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि आपको कोई पेपर का पैटर्न बताया जा सकता है, इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण की जब बात करते हैं तो ये आपका एक स्वविवेक रहता है, और प्लस हिस्ट्री के साथ साथ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अगर आपको जो भी दूरदर्शन के अगर इतिहास की बात करें, रेडियो के इतिहास की बात करें, फिल्म के इतिहास की बात करें, या एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि फिल्म रिपोर्टर, क्योंकि कहीं ना कहीं जर्नलिज्म की जब हम बात करते हैं तो फिल्म पत्रकारिता अपने आप में एक स्कोप खोल देती है। अब फिल्म स्टडी एक अलग चीज़ है, फिल्म जर्नलिज्म एक अलग चीज़ है, और फिल्म रिपोर्टिंग एक अलग चीज़ है, फिल्म की रिव्यू या आलोचनाएँ करना एक अलग चीज़ है। अब ये आप कितने उसको अच्छे तरीके से एलोबरेट कर पाते हैं, आप कितना उसकी सेल्फ स्टडी कर पाते हैं, उससे कितना आप उन कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए। जैसे अभी कुछ समय पहले की बात है, एक विद्यार्थी का मेरे पास फ़ोन आया, एक प्रश्न था कि भारतीय फिल्मों ने महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन लाए हैं। अब वो इस क्वेश्चन को पूरा स्टडी मटेरियल में उसने खोजना शुरू किया। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, अगर कल कोई नई डेब्यू फिल्म स्टार आ जाती तो वो आपको SLM में नहीं मिलेंगी, लेकिन आपका कॉमन सेंस किस तरीके से महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आ रहे हैं, तो हम लोग दूरस्थ के साथ साथ मुक्त भी हैं, आप भी मुक्त हैं, और जितनी नॉलेज इन्हेंस होती है, जितना इंट्रैक्शन आप एक दूसरे से करते हैं, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते समझते हैं, उतना हम समसामयिक और नवीन विषय को पढ़ने में सक्षम हो पाते हैं। इस कोर्स को करने के साथ में आपको इस पेपर में, जैसे कि अभी मैं जो आपसे पहला सवाल का जवाब दे रही थी कि बहुत सारे विद्यार्थियों को आया था, अभी क्वेरी भी आ रही है मेरे पास, बहुत सारे लोगों ने अभी पूछा मुझसे, अभी बात करते करते इन चीज़ों पे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चंस के पैटर्न्स आप देखिए, बहुत कॉमन तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने अपने, देखिए स्टडी मटेरियल काफ़ी आपके पास पहुंच जाएगा, आसपास सूचनाएं भी पर्याप्त होंगी, गूगल पे भी होंगी, आपकी व्यक्तिगत समस्याएं भी होंगी, यहाँ भी आपने पढ़ा, कैसे आप उसको मिक्स करके लिखें। तो आंसर के लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप जब इस कोर्स को करने जा रहे हैं तो आप टेलीविज़न, दूरदर्शन, रेडियो प्लस फिल्म के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को अच्छे से पढ़ लीजिए, प्लस उनके साथ साथ में जो भी सिद्धांत और मॉडल्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि किस तरीके से वो प्रभाव डाल रही हैं फिल्में सोसाइटी पे। तो ये अलग अलग एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, समय के आज एक ही लेक्चर में सब कुछ बता पाना संभव नहीं हो पाता, तो हम आने वाली क्लासेस में आपको और चीज़ें इसको और एक्सप्लेन करके आपको बताते रहेंगे। आज के लिए इतना है कि आप जैसे सोसाइटी में जैसे महिलाओं की भूमिकाएं हैं, ये शॉर्ट फिल्में किस तरीके से बनती हैं, डॉक्यूमेंट्री किस तरीके से बनती है, प्रोडक्शन क्या होता है, जो टर्म्स आपके सामने आ रहे हैं, जो यूनिट के टर्म्स आ रहे हैं, जो आपके दिमाग में टर्म्स आ रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
सेकेंड इस पेपर के कोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो होता है वो कैमरा या तकनीकी पक्ष की बात करें, क्योंकि अभी अगर हम इस कोर्स को एक परीक्षार्थी की दृष्टि से देखें, एक शिक्षार्थी की दृष्टि से देखें, या एक टीचर होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूँ, तो इसको हम एक इस तरीके के पार्ट में बांट लेंगे कि आप क्या कहते हैं, कुछ उसमें जो है थ्योरी होंगे, कुछ प्रैक्टिकल होंगे, थ्योरी भी होगी प्रैक्टिकल भी होगा प्लस कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। तो थ्योरी प्रैक्टिकल और एग्जांपल्स के इस पूरे ताने बाने से जब हम समा के करेंगे तब हमारा एक अच्छा आंसर होता है। अगर हम महिलाओं का, जैसे मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा कि फिल्मों ने महिला सशक्तिकरण में कैसा रोल प्ले किया है, तो अब हम जैसे इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगी आपको, हाफ गर्लफ्रेंड, अगर आपने देखी हो हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत की एक नॉवेल थी उस पर बनी हुई फिल्म थी, जिसको लोगों ने कहा कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए या बिहार का या एक ऐसे यूपी से साइड से बिहार साइड से गरीब लड़का आता है और कैसे वो उस गांव से आने वाला लड़का एक अमीर लड़की से प्यार होता है, कैसे उसकी कहानी होती है, उस पर पूरी चलती है। लेकिन उसमें तीन चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर उसके फीमेल कैरेक्टर्स की मैं बात करूँ तो उसमें माँ के रोल को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया। एक तरफ हमारे एक अमीर खानदान की लड़की है जिसकी माँ अपने घर में घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, एक तरफ एक ग्रामीण परिवेश से आया युवा है जिसके गांव में उसकी माँ स्कूल चला रही है, गांव के लोगों को डेवलप कर रही है, और जब नायिका की कहानी आगे बढ़ती है, शादी होती है, शादी उसकी हीरो से नहीं होती है, मिड पार्ट में उसकी एक और पहली मैरिज होती है जिसमें वो खुद घरेलू हिंसा का शिकार होती है, और कहीं ना कहीं उसमें उसकी सास का भी रोल प्ले होता है। तो जब हम महिलाओं के एस्पेक्ट्स की बात करें, मैं सब्जेक्ट्स के विषय से इतर ना होते हुए आपको आंसर लिखने की टेक्निक बता रही हूँ कि जब हमने थ्योरी तो पढ़ ली कि फिल्मों में ये बनी, लेकिन उसके क्या बारीक एंगल्स हैं, उनको हम कैसे एग्जाम्पल्स में डाल सकते हैं। या अभी मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तक आ रहा है मुझे याद, लॉकडाउन फिल्म से ही, जो मधुर भंडारकर की फिल्म है, प्रवासी मजदूरों की समस्या हुई, आप सबको याद होगा कोरोना हुआ, लोग भूखे मरने लगे और एक स्थिति ऐसी आई लॉकडाउन में कि सारे के सारे मजदूर जो हैं वो शहर छोड़ के गाँव की ओर जाने लगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हम जी नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे से उस फिल्म की उस मजबूरी को दिखाया है उस फिल्म में। अब उसमें जो एक गरीब तबका है उसकी कहानी है कि एक हस्बैंड है, वाइफ है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं। अब उस प्रवासी के दौरान एक महिला कितना संघर्ष झेला होगा या उसके ऊपर कैसी लोगों ने दृष्टि डाली, कुदृष्टि डाली, उन्होंने काल्पनिक कथन दिया। मैं ये नहीं कह रही कि ये सत्य है, लेकिन फिल्म को बनाने के लिए कल्पना और सत्य और यथार्थ को जोड़ के तोड़ मरोड़ के उस चीज़ को किया जाता है। तो उसके जरिए उन्होंने उन प्रवासी मजदूरों की यात्रा में उस महिला को कितने कष्ट हुए, कैसे उसकी चप्पल टूटी या कैसे उसके साथ अभद्रता हुई, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका पति आगे आया, और बहुत बारीक तरीके से इस फिल्म ने दिखाया कि हम सब तो ये देख रहे थे कि एक नया एंगल था ये देखने का। मधुर भंडारकर की इस फिल्म ने एक नया एंगल दिया, क्योंकि हम अभी तक जो भी प्रवासी मजदूर थे उनके खाने पीने की समस्या को देख रहे थे, उनकी इन चीज़ों की समस्या को देख रहे थे, लेकिन इस एंगल से कि उस यात्रा के दौरान, उस पैदल यात्रा के दौरान महिलाओं को कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी तरीके की प्रॉब्लम आई होगी, छोटे बच्चे को टॉयलेट आ जाती है उसके लिए कितना संकट आता था, ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों को दिखाया गया है। अब अगर आप आंसर में इस या किसी एक्स वाई जेड फिल्म का उदाहरण दे देते हैं तो निश्चय ही जो आपने किताबों से पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने तत्काल एग्जांपल दे दिया, मैंने यहाँ आपको दो केस स्टडी बताई, हाफ गर्लफ्रेंड की और लॉकडाउन की, आपके सामने पर्याप्त हो जाएंगे। अब हमारे सामने बहुत एक विस्तार पड़ा हुआ, अगर हम महिलाएं फिल्म की बात करें तो जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं वो अपने आप में हैं, आप न्यूज़पेपर से देख के उनके बारे में, तो हमारे पास जो भी आंसर्स आते हैं लॉन्ग आंसर्स, उनको हम कितना पुख्ता कर सकते हैं, उसको कितने अच्छे से एग्जांपल्स के साथ में दे सकते हैं, ये एक शिक्षार्थी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और जो इस चुनौती में विजयी होता है वही आगे बढ़ता है। और जितना आप अपनी सोच के धागों को खोलेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है कि जिसमें आप समझ लीजिए कि सिर्फ आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी है, और आपको इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जीना है। जैसे मैं आपकी चुनौतियों की बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये हो जाती है विद्यार्थियों का दूरस्थ शिक्षा में दूर रहना। आपका ये थ्योरी पेपर है, इस पेपर को आप तब तक अच्छे से नहीं हैंडल कर पाएंगे जब तक कि आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं उतरते हैं, लेकिन आपके पास समय का अभाव है, आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को करने के लिए स्वतंत्र हैं और आप समय से बंधे हुए भी हैं। तो आपके लिए जो भी चुनौतियाँ आती हैं, मैं यहाँ पे हूँ, आप कहीं से भी उसमें संपर्क करिए, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर आप इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे भी जोड़ दीजिए।
इसकी थ्योरी के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में कि कैसे कहानियाँ लिखती हैं, कैसे घटनाओं से फिल्में निकलती हैं, कैसे एक्टिंग होती है, कैसे संवाद लेखन होता है, कैसे हम उन चीज़ों को बहुत अच्छे से एक और मैं फिल्म का डायलॉग बोलना चाहूँगी, अभी लेटेस्ट फिल्म आई है एक रॉकेट गैंग, उसमें लड़की का नाम पिया है तो उसका कोई कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक पी लेता है तो उसका फ्रेंड उसको मजाक में कहता है पिया मैंने तुम्हारा ड्रिंक नहीं पिया। तो ये जो संवाद लेखन की कौशलता होती है, या अगर मैं कह दूँ आपको एक सीन अगर मैं बोलूँ तो आपको फिल्म ही याद आ जाएगी कि मेरे पास माँ है, या ऐसे कोई भी एक्स वाई जेड, आप तो डायलॉग्स किस तरीके से बारीकी से लिखे जाते हैं। तो जब आप आंसर लिखने जा रहे हैं कोई भी तरीके का, तो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिए, उसके हिस्टोरिकल प्रॉस्पेक्ट्स के साथ साथ में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के साथ साथ में उसमें आप कितने एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, और प्लस आपके शब्द सीमा या अंक के अनुरूप वर्णात्मक है, लघु प्रश्न है या संक्षिप्त टिप्पणी है, इसके बारे में। एक दूसरा प्रश्न आता है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हर साल आता है, पांचों पेपर्स में से किसी न किसी में जरूर आ जाएगा, वो पेपर आपका होता है कैमरे से जुड़ी बुनियादी बातें कि शॉट्स कितने प्रकार के होते हैं, और भी कैमरे की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसके जो पर्टिकुलर टर्म्स हैं उनके बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, फिल्म समीक्षा के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और अगर मैं आपको बताऊं कि तकनीक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रोडक्शन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न आते हैं, प्लस आपके प्रश्न आते हैं आपके इंटरनेट सोशल मीडिया या रेडियो के जो नए एस्पेक्ट्स हैं, तो आपको पूरा एक दिमाग को एक ओपन ग्राउंड की तरह रखना है कि हमारे पास पर्याप्त रसोई है, पर्याप्त मसाले हैं, पर्याप्त खाद्य सामग्री है, हमें बस फसल उगानी है। तो आप ये मान के ना चलें कि मैं सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से पढ़ रहा हूँ, सेकंड के लिए पढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से, थर्ड के लिए, हाँ डेफिनेटली एक उसकी सीमा खाका और इसके आधार पे आता है, लेकिन इस कोर्स की ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आपके अपने दिमाग को एक्टिव रखना पड़ेगा, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल और करेंट ट्रेंड्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे जिनको मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि जो लोग फिल्म में अपना स्पेशलाइजेशन बनाना चाह रहे हैं, मेरे दो तीन विद्यार्थी ऐसे रहे हैं यहाँ से, एक डॉक्टर मनीष जैसल जी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं वो, अभी उन्होंने यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड फिल्म प्रोडक्शन का कोर्स किया है, वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में PhD हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इस कोर्स को करना उचित समझा क्योंकि वो उनकी थीसिस भी फिल्म पे, उनका बहुत अच्छा काम, उनकी किताब भी सेंसरशिप पे एक आई है, या ऐसे बहुत सारे जो फिल्म अभी दूरदर्शन के एक साथी हैं उन्होंने इस कोर्स को किया है वहाँ पे क्योंकि वो दूरदर्शन में वर्क कर रहे थे। कई लोग और इस तरीके के हैं जो फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक मेरा विद्यार्थी जो मैंने पहले बताया कि वो प्राइमरी शिक्षा में था और लेकिन उसको अपने गाँव में बदलाव लाना था, वो उन बातों को छोटे छोटे यूट्यूब के जरिए रखना चाह रहा था, तो उसने कहा कि मैं कौन सा कोर्स करूं, तो मैंने कहा तुम्हारे पास नौकरी के पर्याप्त अवसर हैं, तुम जॉब भी कर रहे हो, और अगर तुम जर्नलिज्म का कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो सबसे अच्छा कोर्स तुम्हारे लिए ये पड़ जाता है, क्योंकि तुम इसमें बारीकियों को सीख पाओगे, संवाद लेखन को सीख पाओगे, तुम इन बातों को सीख पाओगे कि हम कैसे बड़ी से बड़ी कहानी को शॉर्ट फिल्म में रख सकते हैं और कैसे एक छोटी सी घटना के बीच को बड़ा करके हम उस पर एक बड़ी फिल्म बना सकते हैं। तो थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स आपको रखना होगा, अपनी समझ को विकसित करना होगा, और उसी के आधार पर आप इन प्रश्नों को करेंगे। तो आज आपने एक पूरा जो कोर्स चल रहा है फिल्म प्रोडक्शन का उसके बारे में जाना कि आप क्या क्या और कैसे कैसे पढ़ेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस व्याख्यान को इतनी देर तक सुना और इनकी बारीकियों को समझने की कोशिश की। आपके जो भी प्रश्न हैं उनका स्वागत है, आप प्रश्नों को कर सकते हैं, आप जो भी जानकारी लेना चाहें ले सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूँ कि कुछ की वाक्य हैं जो मैं आपको देना चाहूँगी इस कोर्स से जुड़े हुए, कि धैर्य एवं सीखना। आपने एक ऐसे कोर्स को चुनने जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का कोर्स है और आप उसकी थ्योरी के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उसमें एक आपको बैलेंस बनाना होगा, प्लस आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा और बहुत लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपसे हमने कह दिया हम आपको स्क्रिप्ट लिखना सिखा देंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं सीख सकते हैं। आप जब तक एक एक घटना पे 10-10 बार नहीं लिखेंगे, 20-20 बार नहीं लिखेंगे, आप कैसे लिखना सीख लेंगे। और लिखने के लिए आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा, ज्ञान आपके पास, नॉलेज इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जब शॉर्ट्स लिखते हैं, हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो हमें उस स्क्रिप्ट को लॉक करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिमाग का क्या है, बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हमें उन चीज़ों को किस तरीके से करना है, फिल्म निर्माण में कितनी बारीकियाँ होती हैं, इसके एक सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष को समझते हुए आपको इसमें एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपके प्रश्नों का। आज के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे आपसे फिर। मैं डॉक्टर साधना श्रीवास्तव, नमस्कार।